आपके साथ। ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शांतिपूर्ण वातावरण में ईद मनाने की अपील की गई, साथ में अफवाहों से बचने की भी अपील की गई। कस्बा परिसर में ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कस्बा के अंचलाधिकारी अमन कुमार वर्मा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी ने शांतिपूर्ण माहौल में ईद के त्यौहार को मनाने की अपील की। इस दौरान आम लोगों को अफवाहों से बचने की अपील भी की गई। बैठक में ईद के त्यौहार को लेकर कौमी एकता बनाए रखने की अपील भी की गई। साथ ही सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की भी बात हुई। वहीं ईद के नमाज को लेकर ईदगाह में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण ईदगाहों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल की तैनाती भी होगी। साथ ही किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस की विशेष टीम द्वारा गश्ती की भी बात बैठक में रखी गई। आज का बैठक का अध्यक्षता कस्बा सीओ सब कर रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया गया कि जितने भी मतलब ईदगाह में हैं वहाँ पे पुलिस बल दिया जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग भी उसमें इस चीज़ को अच्छा सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण इसको संपन्न करें। मुसलमान भाइयों का खुशगवार त्यौहार ईद उल फित्र के करीब आ चुका है। इस के मद्देनज़र आज बुधवार को थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी सदारत हमारे अंचल के अफसर ने किया। सर समिति ये भी फैसला लिया गया कि पिछले साल की तरह इस साल भी खुशगवार माहौल में ईद मनाया जाए, और ये भी फैसला लिया गया कि कुछ लोगों ने ये थाना अध्यक्ष को ये सुझाव दिया कि जहाँ जहाँ भी ईदगाह हो, एक तो उसकी सफाई होनी चाहिए, दूसरा कि प्रशासन की ओर से हर चौक चौराहे पर जहाँ के ईद की नमाज होती है वहाँ पर रहें, मुस्तैद रहें, ताकि खतरनाक जानवरों का अंदर प्रवेश ना हो, इसको रोका जाए। वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ ईद त्यौहार है, सभी हिंदू मुसलमान मिलकर